सुधा खुटेटा, नेत्र विशेषज्ञ, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। आज हम वर्ल्ड साइट डे और नेशनल ब्लाइंडनेस डे, जो कि अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है, उस उपलक्ष्य में हम कुछ बात करना चाहते हैं कि हम आँखों के बारे में क्या क्या सावधानियाँ रख सकते हैं जो हमें अलग अलग एज ग्रुप में हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको बेटर करने में हमें हेल्प कर सकती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यंग एज ग्रुप की, और हम बोले बच्चों के एज ग्रुप की। इस केस में अगर मैं बात करूं तो अगर किसी बच्चे का जन्म प्री टर्म बर्थ की कैटेगरी में आता है, यानी कि 9 महीने से पहले अगर बच्चे का जन्म हुआ है, या फिर उसका बर्थ वेट 1.5 किलो से कम है, या फिर उसे ICU में ऑक्सीजनेशन पे रखा गया है, इन सभी केस के अंदर आपको तुरंत नेत्र चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। फिर हम आते हैं स्कूल एज ग्रुप वाले बच्चों में। इसमें बच्चों की स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार बच्चों की एक आंख में अगर नंबर होता है और दूसरी आंख में नहीं होता है तो वो उनको लगता है कि हम ठीक देख रहे हैं, लेकिन वो जब स्क्रीनिंग होती है तब वो डिटेक्ट होता है। तो उस केस में अगर हम जल्दी स्क्रीन कर लेते हैं उन्हें, तो हम उन्हें प्रॉपर चश्मा गाइड कर सकते हैं और वो आगे उनके आई साइट को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम आते हैं उससे आगे वाले एज ग्रुप में, जिसमें बच्चों को एलर्जी बहुत कॉमन है। आजकल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और जो एनवायरनमेंट में इतना प्रदूषण बढ़ गया है, उसकी वजह से, गर्मी की वजह से, स्क्रीन यूज़ बढ़ने की वजह से बच्चों में एलर्जी बहुत कॉमन हो गई है। उस केस के अंदर बच्चों को खुजली होना, आँख में पानी आना, आँख का लाल होना बहुत कॉमन है। उस केस में आपको उनको आँखों को मसलने से मना करना चाहिए। वो लगातार दिन में 5-6 बार ठंडे पानी से आँख धोएं, ये उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और फिर अगर इन सब को करके उन्हें नहीं आराम आ रहा है तो उन्हें नेत्र चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। फिर हम आते हैं थोड़ा यंग एज ग्रुप में, जिसमें कि लोग आजकल कंप्यूटर और मोबाइल पर बहुत ज़्यादा उन्हें अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है। हम IT प्रोफेशनल्स की बात करें, या हम MBAs की बात करें, या इवन कोविड में हमने देखा नॉर्मल बच्चों को भी बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्क्रीन पर लगाना पड़ रहा था। उन सारे केस के अंदर कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने वाले होते हैं। उसमें आपको ध्यान रखना होता है कि हर 1-1.5 घंटे बाद आपको कम से कम 1 मिनट का एक ब्रेक लेना चाहिए, जिसके लिए आप आँख बंद करके बैठ सकते हैं, आँखों को रेगुलर आप वॉश कर सकते हैं, या फिर एक राउंड आप बाहर का लगा कर आ सकते हैं, जिससे आँखों को रिलैक्सेशन मिलेगा और आँखें फिर से कंप्यूटर पर देखने के लिए तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा आप कंप्यूटर पर प्रोटेक्शन के लिए चश्मा भी पहन सकते हैं। अगर आपको नंबर है तो नंबर वाला पहने, नंबर नहीं है तो आप प्रोटेक्टिव एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर पर फिल्टर स्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आने वाली हार्मफुल रेज सीधे आपकी आंखों को प्रभावित ना करें। इसके अलावा आप अपनी चेयर की हाइट को ऊपर कर सकते हैं, या फिर आप अपनी टेबल की हाइट को कम कर सकते हैं। उससे आपकी आई ओपनिंग कम रहेगी, तो उससे होने वाली परेशानियाँ जैसे कि ड्राइनेस ऑफ आईज वो भी कम होगी। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इसके बाद हम आते हैं एडोलेसेंट एज ग्रुप में और अडल्ट एज ग्रुप में। इस एज ग्रुप के अंदर आपको अगर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है जैसे कि काला पानी की, तो आपको एनुअली आई स्पेशलिस्ट के पास आकर के अपना चेकअप करवाना चाहिए। डायबिटीज़ जो है, जिस तरह से ब्लड शुगर ब्लड में घूमता है, उसी तरह से डायबिटीज़ रेटिना के अंदर, आँख के पर्दे के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डैमेज, उनकी वजह से उसमें लीकेज होना शुरू हो जाता है और कई बार रेटिना में सूजन भी आ जाती है। इसलिए डायबिटीज़ के लिए आँखों का चेकअप बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हाइपरटेंशन BP के अंदर भी यही प्रॉब्लम होता है कि उसमें भी ब्लड वेसल्स में BP ज़्यादा होने की वजह से आँख की देखने वाली नस में अगर ब्लड सप्लाई का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत कम दिखाई दे, ऐसा भी हो सकता है। और काले पानी की हिस्ट्री में अगर फैमिली में किसी को काला पानी हुआ है तो उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहें। काला पानी आँखों के लिए साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि इसमें आपकी जो आईसाइट का लॉस होता है वो पेनलेस होता है मोस्टली, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आपकी आईसाइट काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती है, और जब आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तब तक काफ़ी देर हो जाती है। वो लाइलाज नहीं है अगर हम उसे टाइमली डिटेक्ट कर लें तो। इसलिए इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप टाइम टू टाइम डॉक्टर्स को दिखाते रहें। और ओल्ड एज ग्रुप में सबसे इम्पॉर्टेंट तो कैटरेक्ट होता है, जैसे कि मोतियाबिंद में आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप उसमें टाइम टू टाइम दिखाते रहें। आजकल मोतियाबिंद को पकाने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज आजकल मैक्सिमम ऑपरेशन फेको मशीन के थ्रू किए जाते हैं, जिसमें मोतियाबिंद अगर टाइमली ऑपरेट किया जाए तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। साथ में कई बार ओल्ड एज के अंदर भी यही डायबिटीज़ को लेकर के, या फिर एक एज रिलेटेड डिजीज़ होती हैं जो पर्दे को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए उसमें भी आपको हर साल एक आई स्पेशलिस्ट को चेक करवाते रहना चाहिए।
ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको अपनी आंखों का ध्यान रखने में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी।